जय हिंद। 26 जून, 27 जून, 28 जून, 3 दिनों में 3 बार जम्मू इलाके के आसपास 3 बार अलग अलग जगह पर ड्रोन से संबंधित एक्टिविटीज़ हमें वहाँ पे दिखाई दी, और ऊपरी ऊपरी तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर ड्रोन द्वारा जम्मू के सतवारी एयरफोर्स स्टेशन में हमला किया गया, बट वो हमला कहीं ना कहीं वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वहाँ पे जो है कुछ जीवित हानि वहाँ पे नहीं हुई। ऊपरी ऊपरी तौर पर ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी अगर हमें दिखता होगा तो भी सचमुच में इसके मायने बहुत बड़े पैमाने पर है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कल आज और कल। इस ड्रोन हमले के बारे में इस तरह की विश्लेषण का, इस तरह की एनालिसिस का आज बहुत बड़ा महत्व हमारे सामने है। अगर हम इस ड्रोन एक्टिविटी का अगर एनालिसिस हम करें, विश्लेषण हम करें, तो हमें वहां पे दिखाई देगा कि भारत में अक्रॉस द LOC ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का ड्रोन हमला भारत के एयरफोर्स स्टेशन पर करने का यह पहला प्रयास है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे झांक के देखें तो पिछले 1 से 1.5 साल में इस तरह के प्रयास पाकिस्तान की तरफ से, अलग अलग तरह के आतंकवादियों के गुट की तरफ से हमेशा किए गए हैं। अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में पंजाब में हो, या जम्मू के सांबा सेक्टर में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, बार बार पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों के गुटों की तरफ से इन ड्रोन के माध्यम से अलग अलग तरह के हथियार, अलग अलग तरह का, मैं कहूँगा ड्रग्स, नशीले पदार्थ, अलग अलग तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक मदद भी इस ड्रोन के माध्यम से भारत की हद में पहुँचाने का प्रयास बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया गया है। ये एक्टिविटी एक तरीके से एयरफोर्स के स्टेशन पे हमला करने की थी, लेकिन इसके माध्यम से बहुत कुछ इन आतंकवादियों के गुटों को और उनके आका पाकिस्तान के ISI को हासिल करना था। 2017, 2016, 2018 इन 2-3 सालों में बहुत बड़े पैमानों पर मिडल ईस्ट कंट्रीज में, मुख्यतः जो अरब राष्ट्र है उनमें, सीरिया जैसे राष्ट्र में, ईरान जैसे राष्ट्र में, इराक जैसे राष्ट्र में, बहुत ज़्यादा हद तक इन देशों में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग आतंकवादियों के खिलाफ एक तरीके से कार्रवाई करने का काम अमेरिका और उनके दोस्त राष्ट्रों ने किया हुआ है। अगर हम वर्ष 2017 की बात करेंगे तो रशिया ने वहां पे ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन स्थित जो एम्यूनेशन डंप थे, यूक्रेन की फौज के वहां पे हथियार रखे हुए और एम्यूनेशन से संबंधित जो स्टोर्स थे उनको उड़ाया, और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे सैनिकों की जान भी चली गई। यानी ड्रोन द्वारा सैनिकों के स्थान पर हमला किया जाना या एम्यूनेशन डंप पर हमला किया जाना, ये कोई नई चीज़ नहीं। वर्ष 2020 में अजरबैजान और अर्मेनिया, इनके बीच में जो युद्ध हुआ, तो तुर्की की मदद से अजरबैजान ने बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, कैमेकेजे ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए अर्मेनिया के सैनिकों को हमला किया, और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, अत्याधुनिक तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए, UAV अनमैंड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए अर्मेनिया पर तुर्की की मदद से अजरबैजान ने जीत प्राप्त की। यानी अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या भारत के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो पिछले 1 से 1.5 सालों में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर पाकिस्तान और आतंकवादियों गुटों ने इन अनमैंड एरियल व्हीकल का, इन ड्रोन्स का भारत की सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ खूबी से वहाँ पर इस्तेमाल किया है, और उसमें अब एक नई कड़ी वहां पे जुड़ गई है। एग्जैक्टली क्या हुआ? जैसे हमें पता है कि शनिचर के दिन, रविवार के दिन और सोमवार के दिन 3 दिन लगातार जम्मू के आसपास के इलाके में इन आतंकवादियों के गुटों द्वारा, जिनको पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट है, उनके द्वारा ड्रोन एक्टिविटीज इन जम्मू के एरिया में हमें दिखाई दी। अगर हम देखेंगे तो सतवारी, जो जम्मू शहर का एक
केंद्रभूत स्थान माना जाता है, जहां पे एयरफोर्स का टेक्निकल एरिया स्पॉट है, वहां पे केंद्र है और वहीं पे जम्मू का हवाई अड्डा भी है। इस टेक्निकल एरिया में वहां पे हैंगर्स है, यानी हमारे फौज से संबंधित अलग अलग हेलीकॉप्टर्स वहां पे मौजूद है। तो ड्रोन के माध्यम से इस सतवारी के टेक्निकल एरिया में, एयरफोर्स स्टेशन के सतवारी के टेक्निकल एरिया में हमला किया गया, जहां पे कुछ हद तक हानि हुई। वहां पे जीवित हानि तो नहीं हुई, उसके साथ ही डायरेक्टली प्रत्यक्ष रीति से हमारे फौज से संबंधित, हमारे हवाई दल से संबंधित हैंगर का या हेलीकॉप्टर्स का नुकसान वहां पे नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव माने जाने वाला, बहुत ही सुरक्षित माने वाला जाला, इस तरह का एयरफोर्स स्टेशन टेक्निकल एरिया के हद में घुसकर अगर आतंकवादी गुट, अगर पाकिस्तान हमला कर सकता है, तो इट्स अ वार्निंग साइन। ये हमारे लिए जो है एक तरीके से जो है वार्निंग बेल है कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे सुरक्षा एजेंसीज, उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, उनसे कहीं ना कहीं कमी रही है और भविष्य में इसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। तो आतंकवादियों के गुट के द्वारा एक तरीके से ये टेस्ट रन था, हम कहां तक जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको जांचने परखने के लिए पाकिस्तान ने यह प्रयास वहां पे किया होगा। ऐसा जैसे कहा जा रहा है कि यह तो जो है सुपरफिशियल हमला था, उसमें हमारा कुछ नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा, यह सुरक्षा की चूक है जिसको हमें ध्यान में लेना होगा। इसमें इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलिजेंस से संबंधित जो है कहीं ना कहीं कमी रही है, इसकी वजह से ही इस तरह का हमला हम पहले ही रोक नहीं पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ये अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख के दौरे पर है, और अगर मान लो अगर हवाई जहाज से ना जाते हुए अगर वेदर इंक्लेमेंट रहा, अगर वहां का जो है मौसम ठीक नहीं रहा, तो चंडीगढ़ से ले वो रस्ते के मार्ग से भी जा सकते थे और उसमें एक पड़ाव जम्मू का भी हो सकता था। ये जो है समय उसी वक्त मैच होता है, शायद अगर ऐसा होता, रक्षा मंत्री जी वहां से जाते, तो उसमें का पार्ट टू ऑफ द प्लान पाकिस्तान द्वारा, आईएसआई द्वारा या आतंकी गुट द्वारा जो है एक्टिवेट भी किया जा सकता था। यानी सिर्फ ये बात इतनी नहीं कि ड्रोन्स आए और उन्होंने जो है सतवारी के टेक्निकल एरिया में हमला करने की कोशिश वहां पे की, इसके अलग अलग बाकी अंग भी हो सकते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर में जन सामान्यों का एक तरीके से उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनके विकास में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अलग अलग तरह के गुपकार अलायंस से संबंधित नेताओं को साथ चर्चा प्रधानमंत्री ने की, और किस तरीके से आने वाले समय में जनतंत्र की बहाली, आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो सके, किस तरीके से उसको राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके बारे में चर्चा उन्होंने की। एक तरीके से पाकिस्तान आईएसआई इसको जम्मू और कश्मीर को जो है हमेशा वहां पे इनस्टेबिलिटी, वहां पे अस्थिरता निर्माण करना उनका हमेशा उद्देश्य रहा है, और उसी दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो इस तरह की भारत सरकार के साथ चर्चा जम्मू के जनप्रतिनिधियों द्वारा पाकिस्तान को रास नहीं आई। इसकी वजह से जम्मू और कश्मीर में अशांतता फैलाने के लिए भी अभी भी जो है हम जम्मू और कश्मीर में घुस के आपके बारे में अशांतता निर्माण कर सकते हैं, इस तरह का संदेश देने के लिए भी ये एक्टिविटी वहां पे महत्वपूर्ण है। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान में देनी होगी कि पिछले ही हफ्ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया। आतंकवादियों को एक तरीके से फाइनेंस करना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, ये एक्टिविटीज पाकिस्तान हमेशा करते रहा है, और उसका ही संज्ञान लेते हुए 2018 से लेके अब तक लगातार पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, और इसके ही वजह से पाकिस्तान दूसरे देशों से, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कर्ज नहीं ले पा रहा है, और ऑलरेडी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ये बैंक्रप्सी की कौर, एक तरीके से दिवालियापन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हमें दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान की जनता का ध्यान इस अर्थव्यवस्था की बदहाली से दूर हटाने के लिए, पाकिस्तान में जिस तरह की अशांतता है, पाकिस्तान की फौज में
जिस तरह की अशांतता है उससे सामान्य जनता का लक्ष्य दूर हटाने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई करो। भारत के खिलाफ जो है ड्रोन के माध्यम से हमला करके सेंसेशन फैलाओ, इस तरह की रणनीति अभी पाकिस्तान द्वारा ली जा सकती है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार ऊपरी तौर पर तो पाकिस्तान ने भारत के साथ DGMO के स्तर पर, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के स्तर पर सीज फायर, युद्धबंदी की घोषणा की है। ऊपरी तौर पर तो दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ वहां पे युद्धबंदी की घोषणा, या एक तरीके से सीमा पार जो है हम गोलियां नहीं चलाएंगे, इस तरह की तो घोषणा उन्होंने की है। लेकिन इस शांतता का, यहां पर सीमा की इस शांतता का फायदा पाकिस्तान खुद की कैपेबिलिटीज, खुद की क्षमताएं बढ़ाने के लिए कर रहा है, और उसके आड़ ऑलरेडी पाकिस्तान में भारत से सटीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ही बड़े पैमाने पर उसके टेररिस्ट लॉन्च पैड खड़े करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे वो आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर रहा है, और अभी जो जानकारी मिली है कि उनका जो 23 डिवीजन है उसको अभी रेडी रहने के लिए कहा है। अफगानिस्तान से आने वाले तालिबानी आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर में भेजना और उनको हिट एंड रन एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करना, ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के 23 डिवीजन को ऑलरेडी दी गई है। यानी पाकिस्तान चुपचाप नहीं बैठ रहा है, वो भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करने की तैयारी में है, और उसका ही एक ट्रेलर, उसका ही एक प्रयास इस ड्रोन अटैक के माध्यम से पाकिस्तान ने किया है। सतवारी के रीजन में किया, उसके अगले दिन वहां से हार्डली 8 से 9 किलोमीटर पर जम्मू के ही पास में एक रत्नुचक और कालूचक मिलिट्री स्टेशन है, वहां पर भी ये ड्रोन वहां पे दिखाई दिए। और ये क्या कम था, उसके अगले दिन सोंजुवान एरिया है, वहां पे भी फौज का एक ब्रिगेड वहां पे सिचुएटेड है, स्थित है, वहां पर भी इस तरह के ड्रोन के एक्टिविटीज दिखाई दिए। यानी लगातार पाकिस्तान आतंकवादी गुट भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक तरीके से ललकार रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये सिर्फ ड्रोन्स नहीं है, भविष्य का युद्ध जो है इसी तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर रहने वाला है। सिर्फ एक सैनिक और दूसरे सैनिक में बंदूक के माध्यम से यह लड़ाई नहीं चलेगी, तो साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन्स के माध्यम से, अनमैंड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमानों के माध्यम से इस तरह का युद्ध वहां पे लड़ा जाएगा। और ये UAV या ड्रोन के माध्यम से युद्ध लड़ना, ये पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए बहुत ही इजी वे है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से जो है वहां पे उनकी मनुष्य हानि नहीं होनी है। भारत के सैनिक, भारत का जो फौज है वो जांबाज है, उनके सामने चाइनीज सैनिक या पाकिस्तान के सैनिक टिक नहीं सकेंगे। तो वहां पे सैनिकों को भेजने के बजाय इस तरह का ड्रोन भेजना, उसमें अलग अलग तरह के हथियार, उसमें अलग अलग तरह के बम, उसमें अलग अलग तरह के मिसाइल्स लगा के भेजना, और भारत की हद में जाके ये वहां पे हमला करेंगे। अगर थोड़े से टेक्निकलिटी में हम जाते हैं तो ये ड्रोन्स का वजन जो है कुछ ही किलो में होता है, कुछ ग्राम से लेके 3-4-5 किलो तक इसका वजन होता है, और उससे डबल से ट्रिपल वो अलग अलग तरह का पेलोड, अलग अलग तरह के हथियार, अलग अलग तरह का बम लेके जा सकता है। और यहां पे तो जो है ये मानव रहित होने की वजह से ये ड्रोन जाएगा GPS गाइडेंस के माध्यम से एग्जैक्टली जहां पे अटैक करना है वहां पे वो अटैक करेगा, और फिर से ये ड्रोन वापिस आ जाएगा। सामान्यतः 10 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की रेंज इन ड्रोन की होती है। आधा घंटे से लेके 1 से 2 घंटे तक ये ड्रोन जो है एक बार वहां पे चल सकता है। यानी अगर हम जम्मू के सांबा सेक्टर की बात करें, अभी के सतवारी की अगर हम बात करें जहां पर ये ड्रोन दिखाई दिए, हार्डली 15 से 20 किलोमीटर वहां से पाकिस्तान से सटीक इंटरनेशनल बाउंड्री है। यानी 15 किलोमीटर की दूरी से ये ड्रोन भारत में भेजे जा सकते हैं, वो अपना अपना वहां पे काम करेंगे और फिर से वापस आएंगे। और आपकी जानकारी के लिए 15,000 से लेके 20,000 में इस तरह के ड्रोन बन जाते हैं। यानी बहुत ही कम कीमत में लो कॉस्ट वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की मदद से, लो कॉस्ट वॉरफेयर पाकिस्तान, चाइना आने वाले समय में भारत के खिलाफ खेल सकता है।
जिसमें उनका नुकसान कुछ नहीं, लेकिन एडवर्सरीज का उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का बहुत बड़े पैमाने पर वो नुकसान वहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर अब अगली बात वहाँ पे ये है, भविष्य में क्या होगा। जैसे मैंने कहा, ये तो जस्ट झांकी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साइड से पंजाब के एरिया में, राजस्थान के एरिया में और सबसे महत्वपूर्ण जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के ड्रोन के माध्यम से भारत की फौज के खिलाफ भारत की सुरक्षा व्यवस्था को छेद देने का प्रयत्न ये पाकिस्तान द्वारा, ISI द्वारा, आतंकवादियों के गुटों द्वारा बार बार किए जाने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। मामला सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी समुंदर के किनारे वाले जो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पर भी ये खतरा बरकरार है। इतना ही नहीं, कैमिकेज़े ड्रोन्स, यानी जिसे हम कहते हैं सुसाइड ड्रोन्स, स्वार्मिंग ऑफ ड्रोन्स, एक ड्रोन नहीं बहुत सारे ड्रोन एक ही वक्त आके एक किसी स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक टारगेट पर हमला करेंगे। एक ड्रोन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे जो है बहुत सारे ड्रोन्स एक ही वक्त एक ही टारगेट पर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर अगर हमला करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इनको कहते हैं सुसाइड ड्रोन्स, यानी ये ड्रोन्स वहां पे आएंगे, हमला करेंगे और उसमें ही वो नष्ट हो जाएंगे, वापिस जाने का सवाल भी नहीं। इस तरह की टेक्नोलॉजी इसराइल द्वारा अलग अलग मिडल ईस्ट राष्ट्रों में जो है पिछले कई राष्ट्रों से इस्तेमाल, कई वर्षों से इस्तेमाल की जा रही है और उसका खतरा अभी भारत के लिए भी है। तो फिर हमने अभी क्या करना चाहिए? भारत को अभी सही मायने में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस ड्रोन का मुकाबला करने के लिए खुद भी ड्रोन की एक तरीके से महारत हासिल करनी चाहिए। UAV टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलरेडी DRDO में संशोधन चल रहा है, बाकी देशों से भी प्रेडेटर ड्रोन हो, रैपर ड्रोन हो, यह हमने खरीदने चाहिए। इसराइल से, अमेरिका से वो तो हमने खरीदने ही चाहिए। और खुद सक्षम होने के लिए DRDO को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसका निर्माण करना पड़ेगा। AVIAN इस तरह के रडार के माध्यम से लो लाइंग भी रहते हैं, कम हाइट पर भी ये ड्रोन वहां पे उड़ते हैं और वहां पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उन AVIAN रडार के द्वारा इन ड्रोन्स को पकड़ा जा सकता है, ध्यान में आ सकता है और इमीडिएटली उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। इसराइल के पास जैसे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके माध्यम से इन ड्रोन्स का भी मुकाबला किया जा सकता है, भारत को भी इस तरह की आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसका निर्माण करना होगा। आने वाला समय ये चैलेंजिंग रहेगा और उसमें इन UAV का, इन ड्रोन्स का बहुत ही महत्व रहेगा। जाते जाते आखिरी मुद्दा, बहुत बार चर्चा में आता है कि अभी भारत को टू फ्रंट वॉर की लड़ाई के लिए तैयार रहना है। हमारे पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तान है तो हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर चाइना जैसा शत्रु राष्ट्र हमें जो है एक तरीके से चैलेंज दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहां पे कहते हैं नहीं नहीं, ये सिर्फ थियोरेटिकली है, ऐसा टू फ्रंट वॉर की जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मुझे लगता है सही मायने में टू फ्रंट वॉर नहीं, टू एंड हाफ फ्रंट, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान और तीसरे तरफ से टेररिज्म। और इस टेररिज्म में इस तरह के ड्रोन के माध्यम से भारत के ऊपर हमला करना, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से नेस्तनाबूत करना, उसको पराभूत करना, ये जो है आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रहेगी। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। चाइना टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रोन और UAV के टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रगत राष्ट्र माना जा सकता है। चाइना पाकिस्तान को इन ड्रोन्स के माध्यम से बहुत सारी मदद करेगा और एक तरीके से कोलूजिविटी, चाइना और पाकिस्तान एक साथ आके सिनर्जी में, कॉपरेशन के साथ, सहकार्य के साथ भारत के खिलाफ इस तरह के एक्टिविटीज करेंगे। यानी चाइना और पाकिस्तान इकट्ठा आके भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का टू एंड हाफ फ्रंट वॉर, उसकी पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ती है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, मुख्यतः हमारे ISR इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की अब बहुत ज़्यादा पैमाने पर ज़रूरत निर्माण हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रोन्स, UAV और एंटी ड्रोन क्षमताएँ भारत सरकार द्वारा, हमारे भारत के फौज द्वारा बढ़ाई जाने की अब बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर ज़रूरत निर्माण हुई है।
इस ड्रोन हमले के माध्यम से ये एक तरीके से वार्निंग सिग्नल हमने लेना चाहिए और इमीडिएटली उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। जय हिंद।